सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इट इज़ नैना में। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पचोने को किस तरीके से साफ किया जाता है, धोया जाता है और उसे किस तरीके से काटा जाता है। और इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि पचोने को किस तरीके से बनाया जाता है। मैं पचोने को कुकर में बनाने वाली हूँ। तो कुकर में मैंने तेल डाल दिया है और तेल गर्म होने पे मैंने प्याज और तेज पत्ता और दालचीनी डाली है और वो क्लिप मेरे से मिस हो गया, तो सॉरी। और प्याज मैंने 2 लिया है और तेज पत्ता मैंने 2 लिया है और दालचीनी मैंने 1 इंच ली है। सो प्याज को गोल्डन होने देते हैं। सो मैंने यहाँ मसाला भी पीस लिया है। तो इसमें मैंने 4 बड़े साइज का प्याज और 2-3 आड़ी लहसुन और मिर्ची आप अपने हिसाब से ले ले और 3 इंच अदरक, बस मैंने यही 4 चीज़ इसमें पीस लिया है हल्का पानी डाल के। सो ये देखिए प्याज गोल्डन हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना पेस्ट, लहसुन मिर्च अदरक प्याज का। थोड़ा सा इसको भुनने देते हैं। और मैंने यहाँ खड़े मसाले का पाउडर भी रेडी कर लिया है, जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, इलायची, लौंग, काली मिर्च, जीरा। आपके पास जो भी खड़े मसाले हो आप पीस ले। और इसमें मैंने खड़ा धनिया भी पीसा है। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। और मसाला मैंने इतना पीसा है, छोटी कटोरी है, आधी कटोरी फुल, इतना मैंने मसाला पीसा है। अब इसी मसाले में हम 4 बड़े चम्मच मटन मसाला डाल देंगे, या आप जो भी मसाला खाते हो आप वो भी डाल सकते हैं। और 2 बड़े चम्मच लाल मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से डालें जितना आप तीखा खाते हो। और हल्दी 1 टीस्पून। हमारा पेस्ट हल्का भुन गया है। तो अब हम इसमें जो मसाले रेडी किए थे वो डाल देते हैं। अच्छे से चला देते हैं, इसको ऐसे भुनने देते हैं। अगर आपका मसाला नीचे से पकड़ रहा हो तो आप पानी डाल दें। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें हमारी कटे हुए पचौनी डाल देते हैं। पचौनी को मैंने किस तरीके से काटा था उसका कल के वीडियो में आप देख सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूंगी। इसको अच्छे से चला देते हैं और ढक देते हैं। इसको मसाले के साथ भी थोड़ा भूनना है हमें। अगर नीचे से पकड़ने लगे तो आप थोड़ा पानी डाल दें इसमें। ये मसाले के साथ अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डालें, उससे ज़्यादा डालें क्योंकि इसको हम कुकर में पकाने वाले हैं तो पानी कम हो जाएगा। अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और धीमे आंच पे इसको 5 सीटी आने तक पकाएंगे। 5 सीटी आ गया है। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। अगर आपकी पचौनी आपको लग रहा हो कि अभी और पकाना है तो आप और भी सीटी लगा सकते हैं, बट हमारी पचौनी एकदम अच्छे से पक चुकी है, रेडी हो गई है और ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं।